मेरा नाम मनोज कुमार, मैं सेक्शन ऑफिसर के नाते से कार्यरत सामलाल कॉलेज में और दिल्ली विश्वविद्यालय SC ST जो हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट के नाते से मेरे पास जिम्मेवारी है। सर क्या कहेंगे आज इस कार्यक्रम में, कैसा लग रहा है आपको, क्या समझा जाता है समाज को? समाज के लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्टर धनंजय को बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के निमित्त, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा मैसेज देता है। अभी हमने बौद्ध पाठ किया, अभी हमने वहाँ पर जो है दीप प्रज्वलित किया जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, ऐसा भाव प्रकट हुआ वहाँ पर। और इतने बुद्धिजीवी लोग आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है, आने जाने के लिए कम से कम दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने के 100 रुपये लगते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रिटायर पर्सन भी हैं और युवा बच्चे भी हैं और हमारे साधु संत भी लोग बैठे हुए हैं और बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, इन सबको इकट्ठा किया डॉक्टर धनंजय ने एक मंच के ऊपर, और वो भी जो ये संस्था है उनकी, ये SC ST OBC माइनॉरिटी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की। मैं पूरी संस्था को और उनके तमाम कार्यकर्ताओं को इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं बधाई दूंगा उनको, और कामना करूंगा डॉक्टर साहब से कि इस तरह के भविष्य में भी, मैं पिछले कई प्रोग्राम उनके मैं आ चुका हूँ और ये हर बार कुछ ना कुछ नया और बढ़िया देखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगा। सर मनोज जी बात करें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तथागतों बुद्ध की, ये एक लाइब्रेरी तक ही सीमित रह जाती, बाहर तक नहीं जा रही है सर, राजनीति में लोग ज्यादा भरोसा कर रहे हैं सर। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो हमारे को, हम ये मानते हैं हमारा बच्चा जब सम्मानित होगा ना जी, हमारा बच्चा हर क्षेत्र में जाएगा, वो राजनीति में भी जाएगा, वो डॉक्टर में भी बनेगा, वो IAS IPS सब बनेगा, क्योंकि वो यहीं से तो सीखेगा। जब उसको हम अपने बच्चों को हम नहीं देंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो दूसरा सम्मान कैसे दे देगा। देखो ये तो सब शब्द है ही नहीं बुद्धांक के उसमें, डिक्शनरी नहीं है ना डॉक्टर साहब की डिक्शनरी में, इस तरह का कोई शब्द नहीं है अंधविश्वास और पाखंड का। जो भी करते हैं वो अपनी रोटी सेकने के लिए करते हैं, उनकी बेचारों की अपनी मजबूरी है, हम तो मजबूरी कहेंगे ना जी, उनकी भी अपनी मजबूरी है ये सब करने के लिए। ये जो आयोजन आपने किया है इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर पहले बात तो मैंने आयोजन नहीं किया, मैं तो एज ए एक, मेरे को बुलाया था, मैसेज आया था मेरे पास और डॉक्टर धनंजय जी का शिरकत की है, आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? यस, मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगा सबको कि हमको अपने स्तर पे भी ये कार्य करने चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना बड़ा कार्यक्रम, देखो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उतना ना करा के हम छोटा भी करा सकते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैंने अपने क्षेत्र के अंदर अंबेडकर जयंती पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, वो बच्चा काफी समय की बात है, वो बच्चा आप जाके एक जगह, मैं किसी कार्य से गया था, वो बच्चा मेरे को वहां मिल गया, बोले अंकल ने मेरे को सम्मानित किया था, अंकल जी आओ, मतलब कितनी बड़ी बात होती है। उस बच्चे को वो समय याद है जब वो बाल्यकाल में था, उसको अभी भी याद है, आज से लगभग 10 साल पहले की बात है। तो उसको हमने छोटे से मंच पर सम्मानित किया, क्योंकि वो एक शिक्षित बना था, 10वीं कक्षा में प्रथम आया था हमारे क्षेत्र के अंदर, हमने उसको सम्मानित किया था, वो बच्चा आज एक लायक बन गया। तो उस बच्चे ने, मेरा कोई काम था, उसने मेरे बच्चे ने तुरंत काम करा दिया, मेरे को पहचान गया, ये कितनी बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत।